बिहार की राजधानी पटना में एक दलित महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप है कि महज 1500 रुपए के लिए दलित महिला के कपड़े उतार कर बुरी तरह पिटाई की गई और जबरन पेशाब पिलाया गया। महिला के सिर पर गहरी चोट लगी है। पुलिस के मुताबिक महिला ने प्रमोद सिंह नाम के शख्स से 9000 रुपए का लोन लिया था। ब्याज के 1500 रुपए ना चुकाने को लेकर महिला की पिटाई की गई। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 23 सितंबर की सुबह प्रमोद ने उसे बिना कपड़ों के गांव में घुमाने की धमकी दी थी। फिर उसी रात लगभग 10 बजे प्रमोद अपने बेटे अंशु और 4 अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर महिला को धमका कर अपने घर ले गया। वहां महिला को नग्न कर पीटा गया। आरोप है कि प्रमोद के कहने पर उसके बेटे ने महिला के मुंह पर पेशाब किया और जबरन पिलाया भी। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर घर पहुंची और फिर पुलिस में केस दर्ज कराया। बीएसपी ने वारदात के खिलाफ प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, दलित महिला पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित महिला पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 दलित पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित महिला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलित महिला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 दलित महिला पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित महिला पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित महिला पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित महिला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलित महिला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलित पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिहार सरकार मुर्दाबाद, 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 बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। खबरों के मुताबिक गांव के कुछ दबंग इलाके में गुंडा बैंक ऑपरेट करते हैं। वो गांव के गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देते हैं और बाद में ज्यादा रकम वसूल करते हैं। आरोपी प्रमोद भी इसी का हिस्सा है। इस घटना ने सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में एक जरूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।